तो बर्ड्स में कुछ ऐसे फीचर्स जिनकी वजह से वो उड़ पाते हैं और हम नहीं। पहली चीज, दांत नहीं होते, उनके बीक होती है ताकि वेट कम से कम रहे बॉडी का। एनल स्फिंक्टर, जिसे हम कंट्रोल कर पाते हैं कि वॉशरूम कब जाना है या कंट्रोल कर पाते हैं कहीं पे बिजी एरियाज में, उनके पास नहीं होता एनल स्फिंक्टर, तभी उड़ते उड़ते कहीं पर भी कर देती है। गॉल ब्लैडर नहीं होता बॉडी में ताकि वेट कम रहे, और इसी के साथ साथ राइट ओवरी भी डेवलप नहीं होती हैच होने के बाद, जब उनके अंडे टूट जाते हैं, केवल लेफ्ट ओवरी से काम चलाते हैं। हीमोग्लोबिन ब्लड में बहुत ज्यादा होता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो सके। डबल ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड दो बार ऑक्सीजन कैरी करता है। और कील बोन, उनकी जो ब्रेस्ट बोन में एक कील बोन होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिनकी वजह से अपने विंग्स और फेदर्स काफी हल्के होते हैं, उनको मूव कर पाते हैं। एरोडायनामिक बॉडी होती है पूरी की पूरी। बोन्स न्यूमैटिक होती है, यानी हॉलो खोखली होती है ताकि वेट कम से कम रहे, और बहुत स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होती है। और अंडे देती है बर्ड्स ताकि बच्चे को पेट में कैरी ना करने पड़े मां को, ताकि उसे वेट। यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता, और बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है हमेशा चाहे एनवायरमेंट कैसा। नेक बहुत ज्यादा अच्छे से मूव कर पाता ताकि उड़ते उड़ते वो अपनी पोजिशन और लोकेशन आराम से देख सके। सो दैट्स फॉर वन मिनट एंड कीप ट्रैक द कॉन्सेप्ट।